दुख सबको ही होता है इतना आगे तक आके, थोड़ा करीब आके, थोड़ा पहुंचना नहीं उस जगह तक, बट वहीं पे जो बाहर आके कुछ कम लोगों से रिस्पांस मिला मुझे, जो यहाँ आसपास थे, जो भाई ने बोला, बाकी आसपास लोगों ने बोला कि बहुत कम लोग अंदर क्लीन जाते हैं और बाहर क्लीन वापस आते हैं, तो उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे बाहर आके मुझे लोगों को जवाब देना पड़े या कोई, मेरा दिल साफ रहा है अंदर एंड बाहर भी वैसा ही है एंड आई हैव अर्न रिस्पेक्ट। एंड मेरी मॉम से मेरी रिसेंटली बात हुई थी, वो बोल रही हैं कि मैंने अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखे, उनकी नज़र में मैं जीत गया हूँ, सो आई थिंक वो अपने आप में ही जीत है। बट शौक था जब आपका नाम टॉप टीम में नहीं था तो आप शौक हुए? जी शौक नहीं था क्योंकि मैं ना जब मैं टॉप 5 में घुस गया था तो मैं तब से ही प्रिपेयर था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर बार ही ऐसा होता है कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है एंड जितना माइंड को प्रिपेयर रखेंगे उतना ईजी हो जाता है, क्योंकि बाद में दुख होता है, तो मैंने अपने को कहीं ना कहीं प्रिपेयर रखा था 5, 4, 3, 2, 1 के लिए। अली ये क्या वजह थी कि आप अपने लिए ना खेल कर आप दूसरों के लिए वो खेलते नजर आए? वजह खास कुछ नहीं थी, मैं अपने लिए भी खेल रहा था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो सब अपने लिए खेलते हैं तो मैं दूसरों के लिए खेल रहे तब भी यहाँ तक पहुँच गया, तो आई थिंक अगर अपने लिए खेलता तो सोचो क्या कमाल करता। लेकिन जी ऐसी चीज़ जो बिग बॉस के अंदर मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा खोया है कि जिसका मुझे दुख है, बट हाँ मैंने अपने एंगर इश्यूज़ को खो दिया है एंड मेरा कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस घर से बहुत कुछ सीखने को मिला है, लोगों के साथ कैसे, जब तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे या तुम किसी के साथ कैसा बिहेव करो, रिएक्शन कैसे निकलने चाहिए, कैसे सामने वाले के निकलते हैं, उसको मैंने सामने महसूस किया, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि जब कोई ऐसी हरकत करता है तो हम वहाँ से भाग जाते हैं, सो इट वाज अमेजिंग जर्नी और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे यहाँ से। जैस्मिन के साथ रिश्ते को एक नया आयाम मिला जी। अब आगे फ्यूचर क्या, एक एपिसोड में आप कहते नजर आए कि रुबीना के सजेशन को आप लेंगे कि जी। पहले यू नो डेटिंग फिर एंगेजमेंट एंड देन वेडिंग। एग्जैक्टली क्या है ना, मैंने काफ़ी सालों से मैं डेटिंग इन सब में रहता नहीं था, तो आई रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट, सो लेट्स सी पहले एक्सपीरियंस कर लूँ एक बार, देन आई विल गो फॉर श्योर। आपको लगता है कि आप अगर 30 दिन बाद ना जाते, पहले दिन से जाते और जैस्मिन के लिए नहीं खुद के लिए जाते जी, तो फर्क पड़ता? पहले तो इस बार का मेरा कोई प्लान नहीं था, जाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, बट जब प्लान बन गया तो मैं जब गुस्सा अंदर, मेरा लिटरली जिस दिन मैं गुस्सा हूँ उससे 2 दिन पहले ही मेरा फाइनल हुआ था, तभी मुझे अंदर जाके क्वारंटीन करना पड़ा एंड मेरा कोई प्लान नहीं था। जो लोग पहले से जाते हैं बहुत प्लान करके जाते हैं, उनका माइंड सेट होता है, उनको पता होता है कि हमें जाना है, हमें कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, बट मैं ऐसे इसलिए नहीं गया था, जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि मैं उसको ही सपोर्ट करने पहले गया था, बट उसके बाद जैसा बिग बॉस ने बोला कि सपोर्ट के साथ साथ मैं सबसे अच्छा गेमर भी था, तो आई थिंक शायद खेल गया थोड़ा बहुत। दोस्त के रनर अप बनने का दुख है या बहन के विनर बनने का ज़्यादा खुशी है? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे खुशी बहुत है रुबीना के जीतने की, बट कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि राहुल जीते, क्योंकि राहुल के साथ एक दिली कनेक्शन है एंड कोई बात नहीं, उसने भी यही किया, उसने भी लोगों के दिल जीते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत आगे आ गया अपनी ज़िंदगी में, बहुत आगे आ गया, सो इट्स ओके, चलता है आज। और घर में अगर बात की जाए तो आपकी जर्नी वीडियो का जो इंट्रो था वो ये था, खेलने तो अपने लिए सभी आते हैं, दोस्तों के लिए खेलने वाले कम आए जी, तो आपको लगता है कि ये अपने आप में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है? जी जब बिग बॉस ने बोला मुझे वो कॉम्प्लीमेंट फील हुआ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है लोग जब दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो बोलते नहीं है, वो ऐसा शो करते हैं कि अपना है, लेकिन हाँ नंगे की चोट पे खड़े होकर बोलना कि मैं किसी और के लिए कुछ कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात होती है, वो भी ऐसे घर में जहाँ पर सब अपने लिए खेलते हैं, सब अपने लिए सोचते हैं, बट मैंने ये चीज़ नहीं सोची, मैं कभी ये सोच के नहीं गया कि मेरे को कोई चलाकियाँ करनी हो या कुछ अलग करना हो, कुछ ऐसा करना हो कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ मैं एक बिग बॉस के घर में हूँ। मैं बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था, एक नॉर्मली जैसे मैं अपने घर में बिहेव करता हूँ मैं वैसे ही बिहेव कर रहा था, मैं बाहर भी लोगों की अपने लोगों की केयर करता हूँ और मैंने अंदर भी वही किया, अपने लोगों की केयर की। एंड सपोर्ट की बात रही तो सपोर्ट वहाँ सबको चाहिए, मेंटली सपोर्ट चाहिए, जान वाला सपोर्ट तो वहाँ लगता नहीं है वरना मैं तो जीत जाता। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफसोस हुआ था जब यू नो अलग तरीके का कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट कर लिया था सब लोगों ने कि जैस्मिन के मम्मी पापा जो थे वो आपके गेम से खुश नहीं थे उनको जी, जी। लेकिन अब कितना रिलीफ है जब जैस्मिन ने आपको आकर बात बताई और मीडिया के थ्रू भी आपको पता जी, थैंक्स टू यू आपने मुझे बताया था एंड या मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार मैंने कुछ ऐसी हरकत की भी नहीं है कि जिससे किसी को लगे कि मैं यू नो
कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा क्यों नहीं बोला, बट उसने मुझे प्रॉपरली समझाया कि वो उस टाइम सिर्फ गेम की बात कर रहे थे क्योंकि वो ग्रुप वगैरह में नॉमिनेट हुई थी, तो वो उस वजह से उस तरीके के लिए बात कर रहे थे। बट अदरवाइज सब नॉर्मल लग रहा है, वो भी नॉर्मल हैं, उसके घर वाले भी नॉर्मल हैं अभी। या आई एम हैप्पी, अभी तो मैं निकला ही हूँ बाहर, मुझे पता भी नहीं बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। वेटिंग मेरी, या जी जी, मेरी बहन, मेरे जीजू आए हुए थे स्पेशली वहाँ से मेरे लिए, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत खुशी हुई। एंड आई कांट वेट अभी वापस बैक घर जाने के लिए, मिलने के लिए फैमिली से। अली जासमिन जब घर के अंदर दोबारा आई वो बहुत क्लियर थी कि रुबीना के साथ उनको वो नहीं, रुबीना ने आपको साफ साफ बोला कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में फंस जाओगे या बाहर आके आप सब सॉर्ट आउट करोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे रिश्ते मेरे हैं, उसके रिश्ते उसके हैं, एंड मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो शायद राहुल मेरे बहुत करीब है और मेरे और रुबीना में ये रिश्ता बढ़ता ही नहीं, बट ये रिश्ता अपने आप बढ़ा है, ना मैंने हाथ बढ़ाया है ना रुबीना ने हाथ बढ़ाया है, ये खुद अपने आप बना है। और एक बार जब रिश्ता बना दिया मैंने, तो मैं उस पर टिका रहता हूँ। मैं किसी की बात या किसी के बोलने से, चाहे मेरा अपना ही क्यों ना हो, मैं चेंज नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो मुझे करना अच्छा लगता है। Congratulations. Thank you.